गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारी ऑनलाइन क्लास में पी ब्लॉक के तत्व जो चैप्टर चल रहा है उसमें वर्ग 17 के हेलोजनों के जो अंतरा हेलोजन यौगिक है उनके संकरण व आकृति के बारे में पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन और उनकी शेप देखेंगे। कल मैंने एक एग्जांपल आपको करा दिया था BrF3 का और ICl3 का। अब देखते हैं अपन आगे, अगला एग्जांपल देखते हैं, इसमें IF5। IF5 का संकरण व आकृति, याद करो। तो देखिए IF5 का आप संकरण निकालोगे, तरीका बताया है, इसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके भी संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 + 7 = 35 / 8 कितने हो जाएंगे, 42 / 8 8 × 45 दो बचेंगे, 2 में 2 का भाग दोगे तो 5 + 1 5 तो बॉन्ड पेयर बनेंगे यहां पर और 1 क्या बनेगा, लोन पेयर। ये इसमें पता लग गया आपको, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 6 हैं, 6 संकृत कक्षक चाहिए तो 6 का मतलब आपका हो गया sp3d2। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d2। अब ये कैसे होता है, आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए, Kr 4d10, 5s2, 5p5 और 6s, सॉरी 5p5, ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी है जो इसका खाली है, अभी रिक्त है। तो देखो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 5d आपका खाली है, 5d क्या है, खाली है। हमें 6 में से 5 तो अपन को क्या चाहिए, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यहां पर अभी इसी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या करेंगे, हम एक्साइटेड करेंगे, इसे क्या करेंगे, एक्साइटेड, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको इधर भेजेंगे, इसको एक्साइटेड किया जाएगा, तो यहां पर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपन जो रिक्त डी 5d कक्षा के उनमें भेजते हैं, एक्साइटेड होके इसमें आ जाते हैं, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहां हो गए और 2 इसमें हो गए, तो 3 और 2 = 5 और ये लोन पेयर। तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp3d2। आपको 6 संकृत कक्षक मिल जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें 1 में लोन पेयर, बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये 6 आपको मिल गए, sp3d2 जो रहता है, इसकी जो आकृति या ज्यामिति रहती है, ज्योमेट्री कैसी रहेगी, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। इसकी ये सब जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति में है, किस तरह से व्यवस्थित होंगे, सेंट्रल एटम से ये इस तरह से,
अब देखिए ये तो चार तो आपके ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए और एक यहां हो गया अनपेयर्ड, और इसमें क्या जाएंगे लोन पेयर, तो ये तो लोन पेयर वाला हो गया और ये पांचों क्या बनाएंगे बॉन्ड पेयर। ये आपके फ्लोरीन के साथ क्या बनाएंगे बॉन्ड पेयर, अब देखिए ये लोन पेयर है तो इसकी जो आकृति होगी फ्लोरीन के साथ जब ये बंध बना लेंगे तो उसके बाद जो लास्ट में इस अणु की आकृति इस लोन पेयर के कारण कैसी हो जाएगी, आयोडीन इधर इससे फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, तो ये तो हो गया आपका स्क्वायर वर्गाकार वर्ग बन गया, और इसके ऊपर यहां फ्लोरीन और ये आपका क्या हो गया लोन पेयर। तो ये जो ज्यामिति है ये ज्यामिति क्या बन गई वर्गाकार पिरामिड ही है, ये पिरामिड बन गया देखो वर्गाकार पिरामिड ही है, इस ज्यामिति को अपन क्या बोलेंगे वर्गाकार पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडियल। तो आपसे पूछा जाता है आई एफ फाइव की ज्यामिति और संकरण क्या है, तो संकरण तो इसमें कौन सा है एसपी थ्री डी टू, एक लोन पेयर की उपस्थिति के कारण इसकी ज्यामिति होती तो अष्टफल की है लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट है इस वजह से ये कैसी हो जाती है वर्गाकार पिरामिडीय। तो ये आपके आई एफ फाइव की ज्यामिति हो गई, इसी तरह से आई एफ फाइव की तरह ही बी आर फाइव, BR5 का भी ऐसे के ऐसे बनेगा केवल आयोडीन की जगह क्या आ जाएगा ब्रोमीन आ जाएगा, BR5 और CL5 इन दोनों का भी यही होगा सेम आएगा। तो देखिए तीन अपन ने कल पढ़ लिए थे, तीन की आज हो गई स्ट्रक्चर, तो छह मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर हो चुकी है, इसी तरह से इनका होगा हाइब्रिडाइजेशन और सेम यही आएगा वर्गाकार पिरामिडीय। अब अगला देखते हैं अपन, आई एफ सेवन का और देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब IF7 का देखते हैं अपन, IF7 का पता करना है वही तरीका आपको संकरण में बताया था, IF7 हाइब्रिडाइजेशन आप पता करोगे तो देखिए इसके वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन सात और इसके भी सात होते हैं, सात एटम है तो सातो सातो 49 अपॉन 8, 49 और सात कितने हो गए 56, तो 7 मतलब सात बॉन्ड पेयर बनेंगे, इसमें सारे बॉन्ड पेयर बनेंगे लोन पेयर कोई नहीं होगा, सात का मतलब हो गया आपका sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन। वही तरीका आयोडीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, आयोडीन का 4d10 5s2 5p5 और 5d0, 5s में 2, p में 5 इलेक्ट्रॉन है और D आपका रिक्त है, ये 5s 5p और 5d। जैसे ही इसको एक्साइटेड करेंगे, एक्साइटेड करने पर ये तीन इलेक्ट्रॉन D में चले जाएंगे तो अपन को 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले
ऑर्बिटल मिल जाएंगे। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया और ये भी इधर चला गया, ठीक है ना। कब? एक्साइटेड करने पर। और इसमें ये तो देखो, एक एस का, तीन पी के और तीन डी के, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3d3। अपन को सात हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिल गए, सेवन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये सात हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किस उसमें रहते हैं? ज्यामिति में पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। तो ये कैसे बनेंगे? देखो, आयोडीन इससे बनेगा पंचभुजीय। पहले तो पंचभुज बना लो, और ये द्विपिरामिडीय, तो ये ऊपर नीचे, ये सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सब बॉन्ड पेयर है, सब बॉन्ड पेयर बनाएंगे, लोन पेयर नहीं है कोई भी। तो इनसे कौन जुड़ जाएगा? फ्लोरीन सबसे, यहां पर फ्लोरीन एटम जुड़ जाएगा, फ्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी। और इस तरह की आकृति बन जाएगी इसकी, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। तो ये तो पंचभुज बन जाएगा, देखो पेंटागोनल। ये पेंटागोनल हो गया और इसके ऊपर नीचे ये फ्लोरीन। तो ये ज्यामिति कैसी होगी? आकृति इसकी पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये इसकी ज्यामिति होगी। अब देखते हैं इसके आयन और है उनकी ज्यामिति और देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगली ज्यामिति देखते हैं, IClII- की। अगला जो हमारा IClII-, इसके ज्यामिति देखनी है अपन को। तो देखो, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन पता करते हैं। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? संकरण पता करने के लिए देखो, सात इलेक्ट्रॉन इसके, क्लोरीन के दो एटम है तो सात दूनी 14 इलेक्ट्रॉन इसके, और एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन हो, कितने हो गए? 21 और एक 22, 22 में 8 का भाग दो, 8 दूनी 16, कितने बच गए? 6, 6 में 2 का भाग दो तो 2+3, मतलब यहां पर दो तो बॉन्ड पेयर बनेंगे, बॉन्ड पेयर, और एक तो तीन लॉन्ग पेयर। और इसके संकरण कौन सा हो जाएगा? 5 चाहिए कक्षक, तो sp3d, ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया। वही काम, आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। अपन को दो बॉन्ड पेयर बनाने, मतलब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो, आयोडीन माइनस, आयोडीन माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया ये। अब देखो,
sp3 डी संकरण हो गया। इसमें आपको पांच हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे जिनमें से तीन के पास तो लोन पेयर रहेंगे, ये तीन तो लोन पेयर वाले आ गए और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले हो गए जो कि बॉन्ड पेयर बनाएंगे। ये तीन लोन पेयर और ये दो बॉन्ड पेयर। ज्यामिति देखो ये व्यवस्थित तो कैसे होते हैं, आयोडीन के चारों तरफ इसकी जो ज्यामिति होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल रहती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो ये तो त्रिकोण और ये पिरामिड वाला। मैंने आपको बताया था कि जब sp3d संकरण किसी मॉलिक्यूल में होता है तो लोन पेयर हमेशा निरक्षीय पोजीशन पे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं, इक्वेटोरियल पे, कभी भी एक्सिस पर नहीं आएंगे। तो इन तीन में तो लोन पेयर रहेंगे, ये रूल है, बेंट रूल बोलते हैं इसको। तीन में तो लोन पेयर और तीनों लोन पेयर कहां आएंगे आपके निरक्षीय स्थिति में, इक्वेटोरियल भूमध्य स्थिति में, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और जो बॉन्ड पेयर है वो बनेंगे एक्सिस पर, तो यहां ये बॉन्ड पेयर वाले आ जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अब इसकी ज्यामिति देखो लीनियर ज्यामिति हो जाएगी सीधी, क्योंकि ये तीन तो लोन पेयर है। एक फ्लोरीन, एक क्लोरीन ऊपर, एक क्लोरीन नीचे, और यहां ये क्या हो जाएंगे लोन पेयर। तो ये कैसी ज्यामिति हो गई, रेखीय ज्यामिति हो गई, लीनियर ज्यामिति हो गई इसकी। ICl2- इस पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो ICl2- ये इसकी ज्यामिति होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये पूछा जा सकता है आपका, इंपॉर्टेंट है या एन। हाँ भाई अब आगे देखते हैं, आगे आता है ICl4- आयन। अब की बार जो ज्यामिति पता करेंगे वो ICl4- आयन। पांचवा है ICl4- की ज्यामिति और वो पता करनी है। तो देखिए पहले तो संकरण का पता करेंगे, ICl4- सात इलेक्ट्रॉन आयोडीन के, सात क्लोरीन में होते हैं, चार है तो 7 × 28 और एक नेगेटिव चार्ज का, कितने हो गए 36। हाँ भाई क्या हो जाएगा 8 × 32, चार बचे, चार में दो का भाग दोगे तो 4+2, चार बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, टोटल 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो कितना क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ये संकरण होगा। वही काम आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए, यहां पर अब की बार sp3d2 संकरण है, मतलब कि आयोडीन माइनस के साथ एक इलेक्ट्रॉन को अपन को क्या कराना पड़ेगा, एक्साइटेड कराना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, आयोडीन माइनस का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो यहां से तो कम हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। अब ये संकरण हो गया आपका sp3d2। इसमें दो के पास तो लोन पेयर है और चार के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये दो ही लोन पेयर बनाएंगे
बाकी चार क्या बनाएंगे, बॉन्ड पेयर, टोटल सिक्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। इनकी ज्योमेट्री देखेंगे तो कैसी होगी, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय होगी इस तरह से, और ये। अब यहां पर देखिए जो लोन पेयर वाले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, लोन पेयर कहां आएंगे, अक्षीय पोजीशन पर आएंगे, लोन पेयर किधर आएंगे, अक्षीय पोजीशन पर। ये भी लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर, और ये चारों क्या बनाएंगे आपके, बॉन्ड पेयर। ये चारों आपके क्या बनाएंगे, बॉन्ड पेयर। इसका रीजन क्या है, देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन जब होता है, मैंने अभी रूल बताया था बेंट रूल, कि लोन पेयर हमेशा निरक्षीय स्थिति में आते हैं, लेकिन यहां पर देखो लोन पेयर को हमने अक्षीय स्थिति में लगाया है। इसका रीजन यह है कि जब ये इस पोजीशन पे होते हैं, ये इस तरह से होता है जैसे एक वर्ग है उसके ऊपर नीचे, तो उस समय रिपल्सन सबसे, ये दूर दूर है तो इनका रिपल्सन मैक्स कम लगेगा, कम से कम रिपल्सन लगेगा, तो ये स्थायित्व ज्यादा होगा इसका, इस वजह से लोन पेयर इधर नहीं आते, इसमें ऊपर नीचे लगाते हैं, जबकि sp3d में हम निरक्षीय स्थिति में लगाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी ज्यामिति कैसी हो जाएगी, आयोडीन इधर, क्लोरीन ये, क्लोरीन ये, क्लोरीन और ये क्लोरीन, तो ये वर्ग बन गया एक स्क्वायर, प्लेनर स्क्वायर, प्लेन में स्क्वायर, और इसके ये लोन पेयर ऊपर नीचे। तो देखो वैसे तो ज्यामिति तो होती क्या है, हाइब्रिडाइज और sp3d2 होता है तो अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, लेकिन लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण इसकी अब ज्यामिति कैसी हो गई है, समतल वर्गाकार, समतलीय वर्गाकार। तो ये आपके सारे जो अंतरा हेलोजन यौगिक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड, उन सब की मैंने आपको ज्यामिति और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दिया, लगभग 10-12 मॉलिक्यूल्स बता चुका हूं मैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर अपना ये संकरण और आकृति का टॉपिक समाप्त होता है। हाँ भाई, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं इनके उपयोग, उपयोग क्या क्या है इनके, अंतरा हेलोजन यौगिकों के उपयोग। ये जो आज अपन ने पढ़ा, ये सारा 11वीं का टॉपिक है, 11वीं क्लास में संकरण में हम पढ़ चुके हैं। अब इनके उपयोग देखते हैं। देखो पहला उपयोग तो क्या है इनका, कि इनका उपयोग निर्जल विलायकों के रूप में किया जाता है, जहां जल ना हो, इनका उपयोग निर्जल डिहाइड्रेस निर्जल विलायकों के रूप में किया जाता है। निर्जल विलायकों के रूप में किया जाता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण उपयोग है यूरेनियम के संवर्धन में, के संवर्धन में, यूरेनियम को स्थायी रूप में रखने के लिए, जैसे
यूरेनियम की रिएक्शन हम कराते हैं, तो यूरेनियम है जो UF6 के रूप में रह जाता है, UF6 एक्वेटिक फॉर्म में, और आपको 3 CLF ये मिल जाता है। गैसियस फॉर्म में मिलेंगे ये सारे, गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। तो यूरेनियम के संवर्धन में ये इसके क्या है, महत्वपूर्ण उपयोग है, दो उपयोग है इनके। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है उसको देखते हैं अपन, स्यूडो हेलोजन व स्यूडो हैलाइड आयन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्यूडो हैलोजन। स्यूडो हैलोजन व स्यूडो हैलाइड आयन, देखो स्यूडो क्या होते हैं, आभासी, जो फाल्स, जो मतलब वास्तविक ना हो, ट्रू ना हो, जो आभास देते हैं। तो देखो स्यूडो हैलाइड या स्यूडो हैलोजन क्या है, वे अणु जिनका व्यवहार हैलोजन अणुओं के समान होता है, वे अणु जिनका व्यवहार क्या होता है, हैलोजन अणुओं के समान होते हैं, और उनमें दो से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु उपस्थित हों, उनको हम बोलते हैं स्यूडो हैलोजन। वे अणु जिनमें दो से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु उपस्थित हो, विद्युत ऋणी तत्व उपस्थित हो, वे जिनका व्यवहार हैलोजन अणुओं के समान हो, जिनका व्यवहार हैलोजन अणुओं के समान हो, बिहेव जो लाइक हैलोजन हो, उनको ही क्या बोलेंगे, उन्हें स्यूडो हैलोजन कहते हैं। और स्यूडो हैलोजन से जो ऋणायन प्राप्त होते हैं, स्यूडो हैलोजनों से बनने वाले ऋणायन जिनका व्यवहार हैलाइड आयनों के समान हो, हैलाइड आयन एक्स माइनस, और हैलोजन अणु क्या हो गए X2, एक्स माइनस के समान हो, उन्हें स्यूडो हैलाइड आयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका साइनोजन, CN का ट्वाइस, इसको बोलते हैं साइनोजन, तो ये स्यूडो हैलाइड आयन है, सॉरी स्यूडो हैलोजन है, या SCN2 सल्फर लग गया था थायो
साइन हो जाएगा। या ओ सी एन का ट्वाइस ऑक्सीसाइनोजन, इनकी जो अभिक्रिया और गुण होते हैं वो हेलोजनों के समान ही होते हैं, एक्स टू के समान ही, सी एल टू बी आर टू इनके समान ही होते हैं, इसलिए इनको अपना क्या बोलते हैं, स्यूडो हेलोजन, क्योंकि इनमें हेलोजन परमाणु नहीं है लेकिन इनके प्रॉपर्टी है जो हेलोजनों के समान है, तो ये कैसे बोले जाएंगे, स्यूडो हेलोजन। स्यूडो हैलाइड आयन क्या होंगे, इन्हीं से बने ऋण आयन, जैसे सी एन टू है तो सी एन माइनस साइनाइड आयन। या इससे एस सी एन माइनस आयन थायोसाइनाइड आयन, थायोसाइनेट, ठीक है ना। या ओ सी एन माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, साइनेट। तो ये आपके क्या हो गए, स्यूडो हैलाइड आयन, और ये क्या हो गए, स्यूडो हैलोजन। ये हैलाइड आयनों के समान प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोजन की हम क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या बनता है, 2HCl बनता है, क्या मिलता है, 2HCl। इसी तरह मतलब हैलोजन की हाइड्रोजन से क्रिया करा रहे तो आप हाइड्रोजन क्लोराइड मिल रहा है, अगर आप हाइड्रोजन की क्रिया साइनोजन से कराओगे CN का होल ट्वाइस तो आपको 2HCN मिल जाएगा। तो देखो सेम है प्रॉपर्टी, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, स्यूडो हैलाइड आयन। ये आपको शायद बुक में नहीं मिलेंगे लेकिन ये काम में आते हैं ऑर्गेनिक में, या कई जगह आपको ये मॉलिक्यूल्स और आयन दिख जाएंगे। इनकी प्रॉपर्टी हेलोजनों के समान है, इनके गुण हेलोजनों के समान है या हैलाइड आयनों के समान है, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, स्यूडो हेलोजन व स्यूडो हैलाइड आयन। ये आपके स्यूडो हैलाइड आयन हो गए और ये आपके स्यूडो हेलोजन हो गए, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। आज अपना वर्ग जो 17 है वो समाप्त हो गया है, 17वां वर्ग समाप्त हो गया है। कल से हम 18वां वर्ग शुरू करेंगे, अक्रिय गैस, वो भी छोटा है, लगभग दो तीन क्लास में, दो क्लास में समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए बाय।